हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस स्टॉक की बात करने लग रहे हैं उस स्टॉक का नाम है पुदुम जी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी। ये देखिए, ये मई 2020 में केवल 11.80 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था और फिर जुलाई 2021 में इसने 41 रुपये को भी टच किया है और फिर नवंबर 2022 में इसने 49.35 रुपये को टच किया है। तो एक लगातार एक बहुत ही अच्छे रिटर्न निकाल के इसने अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। इसके पिछले एक महीने के जो रिटर्न है वो 4% के हैं, 6 महीने के जो रिटर्न है वो 13.35% के हैं और इसके जो ऑल टाइम के जो रिटर्न है वो 230% के निकाल के इसने अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये और एक डिविडेंड देने वाली कंपनी है ये और इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 71% से ऊपर की बनी हुई है। तो एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये और हम आपके लिए ऐसे स्टॉक लेके आते हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल होती है और जो फ्यूचर में भी आपको एक बहुत ही अच्छे रिटर्न निकाल के आपको दे सकते हैं। तो ये जो स्टॉक है ये भी उन्हीं स्टॉक में से एक स्टॉक है। तो ये जो कंपनी है, ये जो रैपिंग होता है और जो फूड ग्रेड पैकेजिंग पेपर होते हैं और जो घरेलू और जो सैनिटरी पेपर होते हैं उनको बनाने का काम ये कंपनी करती है। तो इसके जो प्रोडक्ट हैं उनमें सबसे पहले आता पेपर प्रोडक्ट। तो ये जो कंपनी है ये सेप स्मार्टर ब्रांड नाम के तहत ये टिश्यू, टॉवल, डेकोर ग्रेड्स, फूड ग्रेड हो गया, फार्मा ग्रेड्स हो गया, सॉलिड रैप हो गया, ओवन पेपर हो गया, सॉलिड बैग, स्ट्रा पेपर हो गया, फाइन प्रिंटिंग पेपर हो गया, इनको बनाने का काम ये कंपनी करती है। और दूसरा इसका हाइजीनिक प्रोडक्ट है। तो इसमें ये जो कंपनी है ये ग्रीन लाइन ब्रांड नाम के तहत ये बाथरूम रोल हो गया, किचन टॉवल हो गया, नैपकिन हो गया, हैंड वॉश साबुन हो गया और जो दूसरे हाइजीनिक प्रोडक्ट होते हैं ये उनको बनाने का काम ये कंपनी करती है। इसका 2023 में जो रिवेन्यू आया है, जो पेपर है उससे इसने 96% का जो रिवेन्यू है वो जनरेट किया है और जो हाइजीनिक जो प्रोडक्ट होते हैं उससे इसने 4% का जो रिवेन्यू है वो जनरेट किया है और इंडिया से इसने 97% का रिवेन्यू जनरेट किया है और इंडिया से बाहर इसने 3% का जो रिवेन्यू है उसको जनरेट किया है। इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनकी जो क्षमता है वो 72,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष के हिसाब से 2 विशेष पेपर मशीनें उसमें शामिल हैं। तो इसका जो पेपर प्रोडक्शन है वो इसकी जो क्षमता है उसका केवल 80% ही है। इसने 2022 में जो 3 पुराने जो पवन ऊर्जा जो प्लांट होते हैं उनको खरीदा है, उनकी जो कैपेसिटी है वो 1.25 मेगावाट की है। इससे इसने जो कागज़ बनाने में जो बिजली यूज होती है उस बिजली को बनाना शुरू किया है। तो ये इस कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा है कि ये खुद के जो बिजली है उसको बनाने का काम ये कंपनी करने लग रही है, लेकिन इसकी जो कागज़ बनाने में जो बिजली लगती है उसका केवल 8% ही अभी ये जो कंपनी है वहाँ से उन प्लांट से ये बिजली बनाने लग रही है। 2024 में ये जो कंपनी है ये सौर ऊर्जा प्लांट होंगे और जो पुराने पवन ऊर्जा जो प्लांट हैं उनको और अधिक खरीदना चाहती है ताकि इसकी जो कागज़ बनाने में इसकी जो बिजली लगती है उस पूरी बिजली को ही अपनी प्लांट में बना सके। तो इससे इसका जो कागज़ बनाने का जो खर्चा है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसके ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर को ही बेचे जाते हैं और जो डीलर होते हैं ये उनके माध्यम से भी अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचने का काम ये कंपनी करती है। और ये जो कंपनी है ये यूरोप हो गया और जो अन्य नज़दीक के जो देश होते हैं उनको भी ये एक्सपोर्ट करने का काम ये कंपनी करती है। इसकी जो मार्केट कैप है वो 450 करोड़ की है। इसका जो बाउंड इकाई है वो 56.30 रुपये है और जो लो है वो 34 रुपया है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 44.50 रुपये है और एक डिविडेंड देने वाली कंपनी है ये। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 1.06% की है। इसका जो ROCE है वो 18.4% का है और इसका जो ROE है वो 15.4% का है और इसके ऊपर जो डेट ऑफ इक्विटी है वो नाम मात्र का ही है, 0.11% का है। और जो प्रमोटर है उनकी कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। इस कंपनी के पास जो फ्री कैश फ्लो है वो 35.30 करोड़ का है। इसके ऊपर जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो 117 करोड़ की है। इसकी जो टोटल एसेट है वो 655 करोड़ की है और ये जो स्टॉक है इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी रहती है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 56.30 रुपये है और जो लो है वो 9.45 रुपये है।
और ये देखिए इसकी जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छी होने लग रही है। जून 2023 के क्वार्टर में इसने 181 करोड़ की सेल्स की है, सितंबर 2023 के क्वार्टर में इसने 195 करोड़ की सेल्स की है। इसकी जो अदर इनकम हो 3 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ ऐसे हो जाती है, और जो नेट प्रॉफिट है इसका क्वार्टर वाइज 18 करोड़ का 11 करोड़ का 11 करोड़ का 13 करोड़ का ऐसे हो जाता है। तो लगातार एक प्रॉफिटेबल कंपनी रही है ये। और ये देखिए इसके ऊपर जो कर्जा है अभी वो 47 करोड़ का है, और इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो लगातार बढ़ने लग रही है, 301 करोड़ 333 करोड़ 387 करोड़ अभी 413 करोड़ की है। और इसका जो CWIP है तो इसमें 20 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी बनने लग रहे हैं, जैसे ये बन के तैयार हो जाएंगे इसकी जो सेल्स है वो बढ़ जाएगी, इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बढ़ जाएगी, और जो कर्जा इसके ऊपर वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। इसकी जो टोटल एसेट है वो भी लगातार बढ़ने लग रही है, 548 करोड़ 597 करोड़ 626 करोड़ 655 करोड़। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 71.31% की बनी हुई है, और जो FII की होल्डिंग है इसमें 0.65% की बनी हुई है, और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर है इस कंपनी में तो वो 38,582 हैं। तो देखिए अभी जो ये स्टॉक है ये 47 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा है, एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये। ये एक ऐसा स्टॉक है अगर आप इसको बाय करते हैं और थोड़े बहुत टाइम के लिए इसको होल्ड करते हैं तो आपको इसमें एक अच्छे प्रॉफिट दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आप इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो आप इसकी 50 क्वांटिटी हो गया 100 क्वांटिटी हो गया ऐसे करके इसको बाय कर सकते हैं, और जैसे जैसे ये डिप में जाता जाए तब आप अपनी क्वांटिटी को इसमें बढ़ा सकते हैं। तो एक अच्छा स्टॉक है और एक फंडामेंटल एक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। और दोस्तों किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाते हैं तो अपना खुद का रिसर्च है वो जरूर करें, और अपने रिसर्च के आधार पर ही किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाए। तो एक ऐसा स्टॉक है जो फ्यूचर में भी आपको एक बहुत ही अच्छे रिटर्न निकाल के ये जो स्टॉक आपको दे सकता है। सो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।